हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बनाने वाले हैं दम आलू। दम आलू के लिए मैंने लिए हैं एक छोटे वाले आलू और इनको मैंने एक सीटी देकर उबाल लिया है। इसमें केवल आपको एक सीटी ही उबालना है और आपको लेना है एक ये कांटे वाली चम्मच। कांटे वाली चम्मच से आपको इसमें ना इस तरह से फोल्ड करना है। तो इससे क्या होगा कि अपने सारे आलुओं में मसाला अंदर तक जाएगा और ये बन जाएंगे बहुत टेस्टी। तो आपको इस तरह से पूरे आलू में करना है और इस तरह से मैंने सारे आलुओं में छेद कर दिया है। और हाँ गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हो तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आई नो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक बट ट्राई तो करती हूँ ना। तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक भी करें। प्लीज 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 गाइस। तो इस तरह से ये मैंने कर लिया है और अब आपको मिलाना है इसमें एक चम्मच या आप जितना तीखा खाते हैं लाल मिर्च का पाउडर। और थोड़ी सी मिला रहा हूँ मैं यहाँ पे हल्दी, जस्ट थोड़ा सा नमक और इसको मिला देंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको मिल गया है। और अब हम इसको ना 5 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक हमारे आलू मैरिनेट हो रहे हैं, हमने यहाँ पे लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच दही और इसमें मिलाएंगे हम नमक। इसमें हम सारे मसाले इकट्ठे कर लेंगे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे डालूंगी मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ले रही हूँ मैं जीरा पाउडर। और अब ले रही हूँ यहाँ पे मसालों का राजा किचन की मसाला। यहाँ पे मैं लूंगी 1 बड़ा चम्मच। ये मैंने अभी नया पैकेट खोला है, खत्म हो गया। ये मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच इस पे ऐड किया है। और इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मिल गया है 1 चम्मच। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे क्या होगा कि आपको इसका कलर अच्छे से कलर मतलब उभर के आएगा सब्जी का, तो देखने में भी अच्छी लगेगी सब्जी और स्वाद तो अच्छा रहेगा ही। तो मिक्स कर दिया है, इसको साइड में रखते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, पैन को हम करेंगे गर्म और पैन में डालेंगे हम 2 चम्मच तेल। इसको गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है और हमने जो ये आलू मैरिनेट किए थे इनको हम अच्छे से इस पे तल लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ, इसको 2 से 3 मिनट आराम से तलेंगे ताकि जो ये मसाला है इसके अंदर तक आराम से मतलब बहुत इजिली अंदर चला जाए। और इससे क्या होता है आलू बहुत स्वादिष्ट बनेंगे आपके। तो इसको हम 2 से 3 मिनट इस तरह से धीमे आंच पे हमको इसको फ्राई करना है। मैंने सैलो फ्राई किया है, बहुत कम तेल में इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। ये 2 से 3 मिनट इसको हो गया है और इसको कर लेते हैं हम साइड में। मैंने वही कढ़ाई को दोबारा पैन को रखा है, इसमें हम 2 चम्मच तेल और डालेंगे और इसको गर्म होने देते हैं। हरी मिर्च, जीरा और डाल देंगे हम इसमें प्याज। इसको अच्छे से भूनेंगे प्याज को। तो प्याज यहाँ पे बहुत अच्छे से भून गई है। अब हम डाल देंगे 1 कटा हुआ मीडियम साइज का टमाटर और इसको भी 5 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे जब तक कि टमाटर पूरी तरह से गल नहीं जाए। तो टमाटर यहाँ पे भून चुके हैं और हमने जो ये दही का मसाला ही बनाया था उसको इस पे डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला पूरा तेल बाहर ना आने लगे आई मीन मसालों से। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से भून लेंगे 5 से 6 मिनट
और ज्यादा भी इसको थोड़ा सा भून सकते हैं, आराम से भूनिए। आज में आपको भूनना है, और ये देखिए क्या मस्त ग्रेवी बनके तैयार हुई है, एकदम जैसे होटलों में बनती है। आप देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया सी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। और ये ग्रेवी हमारी पूरी तरह से तैयार हो भी चुकी है। आप इस पे पानी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डालूंगी जितना मुझे ग्रेवी इसका चाहिए। जितना करी मुझे पतला चाहिए तो पतला करूंगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये देखिए, और अब हम डालेंगे इसमें अपने बेबी पोटैटो जो फ्राई किए थे हमने स्टार्ट में, और इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक कि आलू थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। तो वैसे भी आलू सॉफ्ट हो चुके हैं, बट फिर भी इनके अंदर मसाला जाना बहुत जरूरी है, तो इसको 2 से 3 मिनट हम और पकाते हैं। अभी आपको देख रहे हैं ना कितने अच्छे बने हैं, बहुत एकदम होटल स्टाइल दिख रहे हैं। आप इस पे मलाई ऐड कर सकते हैं, बट मुझे मलाई खाना अच्छा नहीं लगता है सब्जी में, तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। आप 2 से 3 चम्मच इसमें मलाई ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे, और उसका स्वाद आपको अगर अच्छा लगे तो आप ऐड करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगी। और आप देख रहे हैं कितने मस्त हमारे दम आलू बन के तैयार हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये देखने में, बहुत बढ़िया से बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे दम आलू बन के हो चुके हैं तैयार, और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी जिससे इसका स्वाद सुपर टेस्टी हो जाएगा। तो आपने देखा ना दम आलू बनाना कितना इजी है, तो आपको ये रेसिपी जरूर ट्राई करना अपने घर पे, क्योंकि इसको बनाना बहुत इजी है। और गाइस आपको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आपको एक बिग थम्स अप देना है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।